नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ के अजमतगढ़ नगर पंचायत अजमतगढ़ स्वर्गीय शशि चंद क्रिकेट टूर्नामेंट भव्य तरीके से मैच का ढोल ताशों के साथ नगर पंचायत अजमतगढ़ चेयरमैन पारसनाथ सोनकर द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। नगरवासियों और खिलाड़ियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी और दोनों टीम और जनता से कहा कि मैं इस खेल से बहुत प्यार करता हूं और इस खेल का दीवाना भी रहा हूं। जो इन दिनों टीम में से जो फाइनल जीतेगी मैं उनको 5100 का पुरस्कार भी दूंगा और मैं फाइनल के दिन आऊंगा। जो टीम जीतेगी मैं उनको सम्मानित करूंगा। अजमतगढ़ जनता में जो मैच में रुचि रखते हैं उनके चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। न्यूज 9 भारत के लिए नजरे हसन की खास रिपोर्ट। मैं गणतंत्र दिवस पे आप सभी नगरवासियों को, खिलाड़ियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मैं बता दूं कि इस खेल से मैं बहुत प्यार करता हूं। इस खेल का मैं भी कभी दीवाना था और इसलिए मैं आप लोगों से सिफारिश करूंगा और जो लोग इस गेम को खिला रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और अपने सम्मानित जनता को जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होता हूं, मैं उनको भी उनके चरणों में नमन करता हूं। और इस खेल को अगर आप लोग हमेशा खेलते रहेंगे, जो इस सिस्टम को बनाया है उस कमेटी को भी मैं बार बार कहूंगा कि इस खेल को इसी तरह खिलाए, हमसे जो भी सहयोग हो वो सहयोग ले, क्योंकि इस खेल के ही नाते हम करीब करीब मुझे लगता है कि 2-4-10 किलोमीटर में हमको लोग जानते हैं और इस खेल को हम लोग काफ़ी दूर दूर तक खेले भी हैं। अगर इसमें हमको नहीं लगता है कि हमारे समय का कोई लड़का होगा, ठीक है, तो इसमें जहां विशेष हमारी जो योगदान होगी हमारी योगदान होगी। और आज के मैच में, मेरे उद्घाटन के मैच में जो भी टीम जीतेगी मैं 500 रुपये बुलवाऊँ मगर 1000 रुपये में दूंगा। और ये इसमें से यदि अगर टीम फाइनल जाती है तो मैं उसको 5100 रुपये दे दूंगा। 5100 रुपया चाहूँगा कि बढ़िया से और मन लगा कि ईमानदारी से ये गेम हो और मेरे इस उद्घाटन मैच का मैं चाहूँगा कि ये टीम फाइनल दोनों में से कोई जाए ताकि उस दिन मैं आऊँ, उस दिन फिर आऊँगा और मैं बढ़िया से आप लोग का सम्मान करूँ और सम्मान लूँ। जय हिंद। जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद।